हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये अक्सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद में सिखाया जाता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये टेंस का यूज क्या है। ये टेंस का यूज है कि इसमें कोई भी आप जो काम कर रहे थे वो आपने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया, आपने वैसे को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको दो चीजों के ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा, एक हैज और हैव, और दूसरा किसका फोकस करना पड़ेगा, फॉर्म के साथ। हैज किस तरह रहेगा, ही और शी के साथ क्या रहेगा, हैज, और आई यू दे वी के साथ क्या रहेगा, हैव। सबसे पहले इसे आई हैव, ही हैज, यू हैव, शी हैज, दे हैव और वी हैव। इसके बाद हमको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्म लगेगी वो हमेशा हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। लाइक एग्जांपल, गो वेंट और गॉन, यहाँ पे क्या लगेगी, गॉन। कम केम और कम क्या लगेगा, कम। सिट सैट और सैट क्या लगेगा, यहाँ पे सैट। एक चीज को एग्जांपल लेके चलते हैं, आई हैव टेकन टी, आई के साथ क्या लग गया, हैव के साथ क्या लग गया, थर्ड फॉर्म टेकन। I have opened door. I के साथ क्या लग गया, have के साथ open कौन सी form लगी, third form क्या बन गया, open। हमको ये सीखना भी जरूरी है कि present continuous tense और present perfect tense में क्या फर्क है। present continuous tense में जो action है वो लगातार लगातार चलता रहना है, और present perfect में क्या होना है, action क्या हो जाना है, finish हो जाना है। जब action चलना है तो वहाँ पे क्या आना है, is, इसके साथ कई बार am, और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। लाइक ही इज, आई एम, दे आर, यू आर, और एंड में क्या लगेगा, आई एन जी। और प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिएगा हैज है जो हमने वहां पे सीखा है, और साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, am, am के साथ क्या लगा है, ing, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, have के साथ क्या लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म, go, went और gone, gone कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मतलब एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, एक्शन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब इस वीडियो के बाद हमारे दो स्टूडेंट्स आपको कुछ एक्टिविटीज के साथ करके एक्शंस करेंगे, और वो आपको साफ पता लगेगा कि कहां पे एक्शन हो रहा है वहां पे आईएनजी लगेगा, और कहां पे एक्शन खत्म हो चुका है वहां पे वो हैज और हैव के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई एम सिटिंग, ही इज सिटिंग, आई हैव सैट, ही हैज सैट, आई हैव स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, आई हैव स्टूड, ही हैज स्टूड, आई एम ओपनिंग द डोर, ही इज ओपनिंग द डोर, आई हैव ओपनड द डोर, ही हैज ओपनड द डोर, आई एम वाचिंग टीवी, ही इज वाचिंग टीवी, आई वॉच टीवी, he has watched it. I am reading newspaper, he is reading newspaper, I have read newspaper, he has read newspaper, I am sanitizing my hand, he is sanitizing his hands, I have sanitized my hand, he has sanitized his hands, I am operating the computer, he is operating the computer, I have operated the computer, he has operated the computer, has he read newspaper, he has not read newspaper, he is reading the newspaper, he is making him understand, he is understanding, he has made him understand, he has understood. Have you understood? Yes, I have understood.